तो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग एक बायोडिग्रेडेबल केमिकल ट्रक को दिखा कर होती है, जिनके अंदर बैठे मार्क एंड जॉन नाम के बंदे, जो कि फैक्ट्री के केमिकल के वेस्ट को सिटी के डाउनटाउन के अंदर ही मौजूद डंप यार्ड एरिया में ही फेंकने के लिए जा रहे थे। तो तभी ही सिटी की तरफ जाते दौरान अचानक से इनका ट्रक वो रास्ते के बीच में एक छोटे से हिरन से टकरा जाता है। तो इस एक्सीडेंट के दौरान ट्रक के अंदर से यानी कि पीछे की बैक साइड की तरफ से जहाँ पर कुछ केमिकल्स के कैंस वगैरह रखे हुए थे, जिनमें से एक केमिकल का कैन वो सीधा ट्रक से लुढ़कते हुए पास में ही मौजूद एक छोटी सी रिवर में जाके गिर जाता है, जो कि वो केमिकल का कैन तैरते तैरते इससे ही रिवर के अंदर मौजूद एक छोटा सा लकड़ियों का डैम बना के रह रहे बेबस के पास पहुँच जाता है। बट अब यहाँ पर चौंका देने वाली बात ये थी कि जॉन और मार्क को ये बिल्कुल ही पता ही नहीं था कि एक्सीडेंट के दौरान इनके ट्रक के अंदर से कोई बायो हैजर्ड केमिकल का कैन अनजाने में गलती से गिर गया है। बट अब वो दोनों ही इस चीज को इग्नोर करते हुए फिलहाल के लिए सिटी के डंप यार्ड एरिया की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो अब सीन इस इंसिडेंट के तकरीबन एक हफ्ते बाद तीन कॉलेज की लड़कियों के ऊपर फोकस होता है, जिन सभी के ही नाम जेन, जुई एंड मैरी होते हैं, जो कि ये तीनों ही मिलकर तकरीबन 4 दिनों के लिए रिसेंटली अपने कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद मैरी, जिसके कजन का सिटी से बाहर की तरफ मौजूद यानी कि काउंटी साइड की ओर बेसिकली एक छोटे से केबिन के अंदर जिसके पास में कोई छोटी सी रिवर में मौजूद थी, उधर सेक्स पार्टी करने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पर जुई, मैरी एंड जेन के बॉयफ्रेंड सैम, ल्यूक एंड टॉमी भी आने वाले थे, जिनको हम आगे चलकर अभी थोड़ी ही देर में मूवी में देखेंगे। तो बस अब जैसे तैसे तकरीबन 2-3 घंटों की ड्राइविंग करने के बाद मैरी और उसके सभी ही फ्रेंड्स अपने कजन जोसेफ्स के केबिन के वहाँ पहुंच जाते हैं। तो अब केबिन के अंदर आते ही जुई और मैरी, जो कि इतने घंटों की ड्राइविंग करने के बाद रिलैक्स करना चाहती थी, वो अपने केबिन के ठीक सामने ही बनी हुई एक छोटी सी रिवर को देख एक्साइटेड होके तुरंत ही अपने फ्रेंड जुई को कन्विंस कर, जिसका उसका बॉयफ्रेंड लुक के साथ रिलेशनशिप को लेकर कुछ मैटर चल रहा था, उस बात को फिलहाल के लिए भुलाते हुए लेक के अंदर स्विमिंग करने के लिए कहती है। तो बस अब जहाँ पर जुई, मैरी एंड जिन वो तीनों मिलकर लेक के अंदर चिल मारते हुए स्विमिंग वगैरह ही कर रहे थे, जो कि ये लेक शॉकिंगली वही लेक होती है जिसमें हम सभी ने ही मूवी की शुरुआत में एक बायो हैजर्ड केमिकल का कैन गिरते हुए देखा था, जो कि तैरते हुए बीवर्स के फार्म तक पहुंच गया था। तो बस ट्रेनिंग लेते वक्त अचानक से जुई को एक अपने साइड में ही बने हुए एक लकड़ी का छोटा सा डैम देखने को मिलता है, तो जिसे देख मेरी, जुई एंड जिन वो तीनों मिलकर तुरंत ही लकड़ी के बोर्ड से उतर बीवर्स के उस फार्म को देखने का डिसाइड करते हैं। तो मीनवाइल डैम के पास आते हैं, जहाँ पर हम सभी ही लकड़ियों पर लगे हुए कुछ हरे कलर के केमिकल्स को देखते हैं, जो कि ये उसी ही बायोडिग्रेडेबल कैन से निकले हुए वेस्ट का कंपाउंड था, जो बीवर्स के डैम के चारों तरफ ही फैला हुआ था। तो एग्जैक्टली इसी ही चीज को देखते हुए जुई, मैरी एंड जिन को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लकड़ियों पे लगी हुई ये हरी हरी सी आखिर में चीज क्या है। तो इसी ही बात को देखते हुए जुई वो डैम के नजदीक जाकर इस बारे में पता ही करती। तो तभी ही उसी ही वक्त ठीक सामने की तरफ से ही आ रहा कोई डैक्स नाम का बंदा, जो कि इसी ही काउंटी साइड के एरिया में ही रहता था, डैक्स उन तीनों लड़कियों को इस फार्म के पास खड़ा देख इमीडिएटली इधर से जाने के लिए कहता है। वेल, अब आखिर में डैक्स वो क्यों और किस लिए मेरी और उसके दोस्तों को डैम के यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रहा है, तो इसका रीजन आप सभी को भी थोड़ी ही देर में मूवी में आगे चलकर अपने आप ही पता चल जाएगा। तो खैर, डैक्स की इन बातों को सुन मेरी, जीन एंड जुई वो सीधे अपने केबिन की तरफ चली जाती है। तो अब सीन सीधा इंस्टेंटली यहाँ से चेंज होकर शाम को केबिन के अंदर ही फोकस होता है, जहाँ पर जुई, मैरी एंड जिन वो तीनों मिलकर आज दोपहर में हुए उस बीवर के इंसिडेंट के बारे में ही बात कर रहे थे। तो तभी ही उसी ही बीच, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जुई और उनके बॉयफ्रेंड्स सैम, ल्यूक एंड टॉमी वो भी इस केबिन के अंदर आ जाते हैं। तो अब केबिन के अंदर आते ही जुई एंड जिन, जो कि वो अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ अलग अलग रूम्स के अंदर इंटीमेट हो रही थी, बट वहीं बाहर हॉलवे की तरफ बैठी हुई मैरी और उसका बॉयफ्रेंड सैम, जिनका कुछ रिलेशनशिप का जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कुछ मैटर वगैरह चल रहा था। तो अब उसी ही चीज को सॉर्ट ऑफ करने के लिए सैम वो मैरी से बातचीत करने के लिए ही जाता, तो तभी ही उससे पहले मैरी वो उठकर ही गुस्से में वॉशरूम के अंदर चली जाती है। तो वॉशरूम के अंदर आते ही मैरी अपने कपड़े वगैरह ही चेंज कर रही थी, तो तभी ही उसी ही वक्त मैरी को शॉकिंगली वॉशरूम के बाथरूम के अंदर लेक के डैम से आया हुआ वीवर दिखाई देने को मिलता है, जो कि वो उसको काटने की कोशिश कर रहा था। बट तभी ही उससे पहले मैरी वो जैसे तैसे वॉशरूम के गेट को खोल बाहर निकल जाती है। तो मैरी वो हॉलवे में आते ही अपने सभी ही फ्रेंड्स को बुला बुरी तरीके से रोते हुए सभी को बाथरूम के अंदर मौजूद उस बीवर के इंसिडेंट के बारे में बताती है। तो जहाँ पर लोग जैन, जुई, सैम एंड टॉमी वो मेरी किन बातों को सुन लोग वो अपने हाथों में एक बेसबॉल बैट ले वॉशरूम की तरफ जाकर इस बारे में पता करने के लिए जाते हैं। तो मीनवाइल वॉशरूम के अंदर आते ही उन सभी को ही ठीक अपने आंखों के सामने एक बड़ा सा बीवर दिखाई देने को मिलता है। तो जैसे देख लोग वो तुरंत ही अपने बेसबॉल बैट की मदद से उस बीवर के चितड़े का जान से मार डालता है।
तो हाफ वीवर अप उसे बीवर कैसे मरते ही सिन सीधा घूमकर नेक्स्ट मॉर्निंग मैरी और उसके दोस्तों के ऊपर ही फोकस करता है, जहाँ पर वह सभी ही केबिन के ठीक सामने ही बनी हुई रिवर के अंदर चिल मारते हुए स्विमिंग वगैरह ही कर रहे थे। तो स्विमिंग करते वक्त अचानक से लेक के अंदर एक बार फिर से वही क्रीपी से दिखने वाले बीवर्स आ जाते हैं, जहाँ पर वो पानी के अंदर तैर रहे टॉमी के पैर को बुरी तरीके से काट टांगों से ही फाड़ कर अलग कर देता है। बट अब इसे दिल दहला देने वाले अनएक्सपेक्टिंग सीन को देख सैम जोसेफ जीवी वो जैसे तैसे टॉमी को पानी से निकाल उन क्रीपी बीवर्स से बचाते हुए सबके सब फिर से केबिन के अंदर आ जाते हैं। तो मेन वेल अब केबिन के अंदर आती है टॉमी, जिसका नीचे से पैर कट जाने की वजह से कंडीशन ऑफ खून बहने के कारण बस से भी बदतर होती जा रही थी। तो इसी ही बात को देखते हुए लुक जीवी और टॉमी को अपने साथ इमीडिएटली कार में बिठाकर पास में ही मौजूद हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं और वहीं जिन से मैरी केबिन के अंदर ही रुकने का डिसाइड करते हैं। तो हाउएवर अब सीन यहाँ पर सबसे पहले लुक जीवी एंड टॉमी के ऊपर ही फोकस करता है, जहाँ पर वो तीनों एक सुनसान से इलाके से होते हुए सिटी के डाउनटाउन की तरफ ही जा रहे थे। तो तभी ही कुछ ही दूर ड्राइव करते ही बीच रास्ते में लुक एंड जीवी को ठीक सामने की तरफ रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ मिलता है, जो कि ये उन्हीं बायोहेजर केमिकल से रिएक्ट बीवर्स ने गिराया होता है। तो आप इसे बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टिंग सीन को देख लियो वो इमीडिएटली अपनी कार से उतर बस उसे बड़े से पेड़ को रास्ते के बीच में से हटाने के लिए सड़क के आसपास कुछ ढूंढी ही रहा था। तो तभी ही कार के अंदर बैठे टॉमी एंड जीवी को शॉकिंगली बाहर की तरफ से लुक की बहुत ही तेज की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो जिसे सुन जीवी वो तुरंत ही कार से बाहर निकल इस बारे में पता ही करती हैं। तो तभी ही उसको लुक ठीक अपने आंखों के सामने बहुत ही बुरी तरीके से एक पेड़ के नीचे कुचलकर मरा हुआ दिखता है, जो कि ये पेड़ और किसी ने नहीं बल्कि उन्हीं ही क्रीपी बीवर्स ने गिराया होता है, जो अब धीरे धीरे काफी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। तो अब ल्यूक को ऐसे मरता हुआ देख जीवी वो इस सुनसान से रास्ते से बाहर निकलने के बारे में कुछ सोच समझने की कोशिश करती। तो तभी ही डेक्स जिसे हमने मूवी के बीच में देखा था वो जीवी को इस सुनसान से रास्ते पे अकेला खड़ा हुआ देख तुरंत ही टॉमी और जीवी को अपने ट्रक के अंदर बैठा केबिन की तरफ लेकर चले जाता है, जो कि उसी ही बीवर्स के लेग साइड की तरफ ही मौजूद था। तो अब सीन इंस्टेंटली यहाँ से चेंज होकर केबिन के अंदर बैठे हुए सैम मैरी एंड जिन के ऊपर फोकस होता है, जहाँ पर वो तीनों ही बैठकर लुक और जीवी का ही आने का वेट कर रहे थे। लेकिन हम सभी को ही पता है कि लुक वो अनफॉर्चुनेटली पेड़ के नीचे आने से दबके मर गया था, तो वो तो अब आने से रहा। तो अब एग्जैक्टली उसी ही इंसिडेंट से अनजान जिन जिसको बैठे बैठे बहुत तेज की नींद आ रही थी वो फिलहाल के लिए उठकर अपने रूम में जाकर सोने के लिए ही आई थी। तो बेड पे लेटते ही अचानक से इसके कमरे के अंदर मैरी भी आ जाती हैं, जो कि वो बड़े ही अकवर्ड तरीके से जिन के ऊपर चढ़ बस उसे केस करने के लिए ही जा रही थी। तो तभी ही आउट ऑफ नो वेयर शॉकिंगली मैरी वो एकदम से ही उन्हीं कृपी से दिखने वाले बीवर्स के अंदर चेंज हो जाती है, जो कि बाथरूम में हुए उस हमले से इसकी ऐसी हालत हो गई थी जिसे हमने मूवी के बीच में देखा भी था। तो मेन वाला पास में ही खड़ी जिन ये मेरी की ऐसी हालत को देख डर के चिल्लाकर इस रूम से भागती हैं। तो तभी ही सैम वो अपने हाथों में एक बेसबॉल बैट ले मैरी को क्रीपी से बीवर में चेंज होता देख एकदम से उसे बैट की मदद से पीछे से मैरी के सर को फोड़ जैसे तैसे जिन को कमरे से बाहर निकाल लेता है। तो अब सीन सीधा इस मूवी के एंडिंग की ओर ही फोकस होता है, जहाँ पर डेक्स और जीवी वो दोनों मिलकर उन क्रीपी से बीवर्स के इंसिडेंट के बारे में ही बात कर रहे थे। तो बातचीत के दौरान एकदम से टॉमी जिसकी हालत उन्हें बीवर्स के काटने की वजह से पहले से भी काफी ज्यादा खराब दिख रही थी, तो बस अब होना क्या था टॉमी वो भी सेम मैरी के तरह बीवर्स के काटे जाने की वजह से उन क्रीपी बीवर्स के तरह ही दिखना शुरू हो जाता है। जहाँ पर वो सोफे से खड़ा हो एकदम से अपने पास में ही खड़े डेक्स को देख उसकी गर्दन पकड़कर अपने दांतों से बुरी तरीके से खींच के फाड़ जान से मार डालता है। तो खैर अब ठीक सामने की तरफ ही खड़ी हुई जीवी वो डेक्स को टॉमी के हाथों इस तरीके से ऐसे मरता हुआ देख जिसके पास और कोई चारा ही नहीं था टेबल पे पड़ी हुई गन को देख सीधे उसकी मदद से अपने बॉयफ्रेंड टॉमी के भेजे को फाड़ खिड़की को तोड़ कूद कर डेक्स के घर से बाहर निकल जाती है। तो अब सीन यहाँ से घूमकर एक बार फिर से सैम एंड जिन के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पर ये दोनों मैरी को जख्मी करने के बाद इस केबिन से बाहर निकलने के रास्ते के बारे में ही आपस में बातचीत कर रहे थे, क्योंकि अभी इस समय बाहर की तरफ उन क्रीपी से बीवर्स ने इस केबिन को चारों तरफ से घेर लिया होता है। तो एनीवे सब इसी ही बातचीत के बीच में अचानक से इन्फेक्टेड मैरी वो वॉशरूम की दीवार को तोड़ बड़ी ही चालाकी से सैम के पास जा नीचे की तरफ से उसके नुन्नू को ही कुतर कर फाड़ कर मार डालती है।
तो मीनवाइल इस हमले के दौरान सैम जो कि वो एट द मोमेंट ही दम तोड़ के मर गया था, तो पास में ही खड़ी हुई जिन वो इस दिल दहला देने वाले सीन को देख डर के मारे केबिन से बाहर ही निकल रही थी। तो उसी ही वक्त मेरी वो बड़ी ही चालाकी से अपने नाखूनों की मदद से जिन के पैरों पे खरोच मार देती है, जिसके बारे में जिन को बिल्कुल भी पता ही नहीं था। तो बस अब केबिन से बाहर निकलते वक्त जुई वो डैश के ट्रक को ही लेकर केबिन की दीवार को तोड़ अंदर ही आ गई थी। तो अंदर आते ही जुई वो साइड में ही खड़ी हुई जिन को थे उसको फटाफट से ट्रक के अंदर आने के लिए कहती है, ताकि ये दोनों ही इस जगह से निकल सकें। तो अब ट्रक के अंदर बैठते ही कुछ दूर ड्राइव करती हूँ जहाँ पर इनका ट्रक का इंजन ही खराब हो गया था। तो एग्जैक्टली इसी ही चीज को देखते हुए जुई एंड जिन वो दोनों मिलकर ट्रक से उतरकर इस एरिया से ही निकल रहे थे। तो तभी ही पैरों पे आई उस खरोचों की वजह से जिन भी सैम टॉमी एंड मैरी की तरह ही इन्फेक्टेड होके बेवस की तरह दिखना शुरू हो रही थी। तो अब सामने ही खड़ी जुई वो जिन की ऐसी हालत को देख जिसके पास कोई चारा ही नहीं था, हाथों में पकड़ी हुई कुल्हाड़ी की मदद से जिन के सर के बीच में से दो टुकड़े कर उसको भी मार डालती है। तो अब जिन को ऐसे मारने के बाद जुई वो जैसे तैसे लंगड़ाते हुए फाइनली सड़क किनारे आ गई थी। तो जुई वो अपने सामने की तरफ से आ रहे एक छोटे से ट्रक को थे जिनमें और कोई नहीं बल्कि शॉकिंगली मार्क एंड जॉनी बैठे हुए थे। वो अचानक से सैम उसे ही हिरन की तरह अनजाने में जुई को भी ट्रक से टक्कर मारकर कुचल कर जान से मार डालते हैं। और बस इसे ही अनएक्सपेक्टिंग एंडिंग के साथ हमारी ये मूवी उन सभी ही कॉलेज के स्टूडेंट्स कैसे मरती है ठीक है दरी